Working with Remote Repositories पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे रिमोट रिपोजिटरी के बारे में और रिमोट रिपोजिटरी पर डेटा को सिंक्रोनाइज करने के बारे में। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ Ubuntu Linux 14.04, Git 2.3.2, Gedit टेक्स्ट एडिटर और Firefox वेब ब्राउजर। आप अपनी पसंद का एडिटर और वेब ब्राउजर उपयोग कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए आपको एक कार्यरत इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी। आपको गिट कमांड्स की बुनियादी जानकारी भी होनी चाहिए। यदि नहीं तो संबंधित गिट ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया प्रदर्शित लिंक पर जाएं। पहले सीखते हैं कि रिमोट रिपोजिटरी क्या है। एक रिपोजिटरी जो इंटरनेट या किसी भी नेटवर्क पर होस्ट किया जाता है, रिमोट रिपोजिटरी कहलाता है। इस केंद्रीकृत रिपोजिटरी का उपयोग करके लोग विश्व में कहीं से भी किसी भी समय एक प्रोजेक्ट पर सहयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मानिए तीन यूजर्स हैं जो एक ही रिपोजिटरी पर संयुक्त रूप से कार्य करना चाहते हैं। गिट उनको उनके लोकल सिस्टम पर रिमोट रिपोजिटरी की एक कॉपी लेने की अनुमति देता है। यह क्लोन कमांड उपयोग करके किया जाता है। फिर वे लोकल रिपोजिटरी के साथ ऑफलाइन काम कर सकते हैं। एक बार जब काम पूरा हो जाता है तो वे वापस मेन रिपोजिटरी पर सिंक्रोनाइज करते हैं। यह पुश और पुल कमांड्स उपयोग करके किया जाएगा। आप पूरी प्रक्रिया इस ट्यूटोरियल के अंत तक समझ जाएंगे। पहले हम अपनी GitHub रिपोजिटरी खोलेंगे जो हमने पहले बनाई। दाईं तरफ हम इस रिपोजिटरी का URL देख सकते हैं। इस URL को कॉपी करें। एक लोकल रिपोजिटरी बनाने के लिए हम वो URL उपयोग करके इस रिपोजिटरी की एक कॉपी बनाने वाले हैं। टर्मिनल खोलें। अब सीखते हैं कि एक ही रिपोजिटरी में दो यूजर्स कैसे कार्य कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले ही अपने डेस्कटॉप पर user1 और user2 नामक दो डायरेक्टरीज बना ली हैं। आप भी अपने डेस्कटॉप पर ऐसा करें। उसी टर्मिनल में मैं दो भिन्न भिन्न टैब्स में वो डायरेक्टरीज खोलूंगी। पहली टैब में टाइप करें cd स्पेस user1। दूसरी टैब खोलने के लिए फाइल मेन्यू पर क्लिक करके ओपन टैब चुनें। दूसरी टैब में टाइप करें cd स्पेस user2। अब टैब user1 पर जाते हैं। अब रिमोट रिपोजिटरी की एक कॉपी बनाते हैं। टाइप करें git स्पेस क्लोन और फिर कॉपी की हुई URL पेस्ट करें स्पेस और इस कमांड के अंत में एक डॉट लगाएं। डॉट दिखाता है कि हम उसी डायरेक्टरी यानी user1 में वो रिपोजिटरी कॉपी करने वाले हैं, अन्यथा यह रिपोजिटरी के साथ स्टोरीज नामक एक नई डायरेक्टरी बनाएगा। अब एंटर दबाएं। क्लोन कमांड पूरे केंद्रीय फोल्डर को कॉपी करेगा और इसे लोकल रिपोजिटरी की तरह बनाएगा। टाइप करें ls। आप देख सकते हैं कि रिमोट रिपोजिटरी की विषय वस्तु यहाँ कॉपी की गई है। आगे ठीक से समझने के लिए मैं इस रिपोजिटरी का यूजर नेम और ईमेल आईडी बदलूंगी। प्रदर्शन के लिए मैंने पहले ही दो GitHub यूजर्स प्रिया स्पोकन 1 और कौशिक स्पोकन बना लिए हैं। मैं यहाँ उन्हें उपयोग करूंगी। अब git log चेक करते हैं। आप रिमोट रिपोजिटरी के समान कमिट्स देख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी टैब में डायरेक्टरी user2 के अंदर मैं रिपोजिटरी क्लोन करूंगी। यहाँ भी मैं यूजर नेम और ईमेल आईडी बदलूंगी जैसे मैंने पहले user1 के लिए किया। आगे समझते हैं कि वे यूजर्स रिमोट रिपोजिटरी में कैसे कार्य करेंगे। मानिए user1 lionandmouse.html नामक फाइल पर कार्य करेंगे। फाइल बनाने के लिए टाइप करें gedit lionandmouse.html। मैं अपने राइटर डॉक्यूमेंट से कुछ टेक्स्ट जो मैंने पहले सेव किया था
इस फाइल में कॉपी पेस्ट करूंगी। इसी प्रकार आप अपनी फाइल में कुछ विषय वस्तु लिख सकते हैं। आप फाइल को स्टेजिंग एरिया में जोड़ते हैं। टाइप करें git add lionandmouse.html। आगे नई जुड़ी हुई फाइल को कमिट करते हैं। टाइप करें git commit -m कोट्स में added lionandmouse.html। आगे हमें मेन रिमोट रिपोजिटरी के साथ लोकल रिपोजिटरी को सिंक्रोनाइज करना है। रिपोजिटरी को सिंक्रोनाइज करने से पहले हम रिमोट्स के बारे में सीखेंगे। रिमोट रिपोजिटरी का यूआरएल रिमोट कहलाता है। हम यूआरएल को निकनेम दे सकते हैं। जब हम बहुत सी रिमोट रिपोजिटरीज पर कार्य करते हैं तो यह उपयोगी होगा। जब हम रिपोजिटरी को सिंक्रोनाइज करते हैं तो हम पूरा यूआरएल टाइप करने के बजाय केवल निकनेम उपयोग कर सकते हैं। रिमोट का डिफॉल्ट निकनेम हमेशा ओरिजिन होता है। अब रिमोट को जोड़ने के बारे में सीखते हैं। आगे टर्मिनल पर वापस जाएं। टाइप करें git remote। आप देख सकते हैं कि रिमोट का डिफॉल्ट नाम ओरिजिन है। आगे देखते हैं कि रिमोट को निकनेम कैसे देते हैं। टाइप करें git remote add stories और रिमोट रिपोजिटरी का यूआरएल टाइप करें। यहां मैं रिमोट को स्टोरीज नाम दूंगी, जो कि रिमोट रिपोजिटरी नाम है। अब एंटर की दबाएं। दोबारा रिमोट सूची जांचने के लिए टाइप करें git remote। आप देख सकते हैं कि रिमोट सूची में जुड़ गया है। अब हम लोकल रिपोजिटरी को मेन रिमोट रिपोजिटरी के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे। इसके लिए टाइप करें git push stories master। यहाँ stories उस रिमोट का नाम है और master उस ब्रांच का नाम है जहाँ हम बदलाव अपडेट करते हैं। अब एंटर दबाएं। मैं यूजर 1 के यूजर नेम में प्रिया स्पोकन 1 टाइप करूंगी और एंटर दबाऊंगी। यूजर 1 से संबंधित पासवर्ड टाइप करें। याद करें, प्रदर्शन के लिए यह यूजर नेम मैंने पहले ही बनाया। आप यहां अपना यूजर नेम और पासवर्ड उपयोग करें। यह अनेबल टू एक्सेस एरर देता है। यह एरर क्यों आई? इसका कारण है कि हमारे पास रिमोट रिपोजिटरी का एक्सेस नहीं है। अतः आप सीखते हैं कि कंट्रीब्यूटर को एक्सेस परमिशन कैसे देते हैं। GitHub रिपोजिटरी पर वापस जाएं। पैनल पर ऊपर आखिरी टैब सेटिंग्स पर क्लिक करें। फिर बाईं तरफ के बॉक्स में कोलैबोरेटर्स पर क्लिक करें। पुष्टिकरण के लिए अपना GitHub अकाउंट पासवर्ड टाइप करें। यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में हम कोलैबोरेटर्स के नाम लिख सकते हैं। समझ लें कि इस GitHub रिपोजिटरी में कोई भी क्लोन कर सकता है, लेकिन वो लोग जिन्हें हमने कोलैबोरेटर की तरह जोड़ा है रिपोजिटरी पर पुश हो सकते हैं। अब मैं दो यूजर्स प्रिया स्पोकन 1 और कौशिक स्पोकन को जोड़ूंगी। जब मैं टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करती हूँ तो आप यूजर का नाम सूचीबद्ध देख सकते हैं। कोलैबोरेटर को यूजर की तरह जोड़ने के लिए ऐड कोलैबोरेटर बटन पर क्लिक करें। मैं अन्य यूजर कौशिक स्पोकन को भी जोड़ूंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि जोड़े हुए नाम सूचीबद्ध हैं। अब हम रिमोट रिपोजिटरी में पुश करने की कोशिश करते हैं। टर्मिनल पर वापस जाएं। टाइप करें git push stories master। यूजर का वो यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करें जिसको रिपोजिटरी का एक्सेस हो। आप देख सकते हैं कि यह सफलतापूर्वक हो गया है। आगे देखने के लिए कि क्या हमारे बदलाव अपडेट हो गए हैं, GitHub रिपोजिटरी चेक करते हैं। GitHub रिपोजिटरी पर वापस जाएं। कोड टैब पर क्लिक करें। अब कमिट लिस्ट चेक करें। आप देख सकते हैं कि कोलैबोरेटर का कमिट यहां सूचीबद्ध है। आगे सीखते हैं कि यूजर 2 रिमोट रिपोजिटरी के साथ कैसे कोलैबोरेट करता है। टर्मिनल पर वापस आएं। मानिए यूजर 2 friends.html नामक फाइल पर कार्य कर रहा है। फाइल बनाने के लिए टाइप करें gedit friends.html। मैं अपने राइटर डॉक्यूमेंट से इस फाइल में कुछ टेक्स्ट कॉपी और पेस्ट करूंगी। उसी प्रकार आप अपनी फाइल में कुछ विषय वस्तु जोड़ सकते हैं।
अब फाइल को स्टेजिंग एरिया में लाते हैं। आगे नई जोड़ी हुई फाइल को कमिट करते हैं। टाइप करें git commit-m कोर्स में editfriends.html। आगे हमें लोकल रिपोजिटरी के साथ मेन रिमोट रिपोजिटरी को सिंक्रोनाइज करना है। टाइप करें git push origin master। याद रखें हमने इस लोकल रिपोजिटरी पर रिमोट नहीं जोड़ा, अतः यहां हम रिमोट का डिफॉल्ट नाम origin उपयोग कर रहे हैं। अब एंटर दबाएं। यूजर 2 का GitHub यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करें। यह fail to push एरर देता है। यह एरर का कारण भी दिखाता है। The remote contains work that you do not have locally। याद रखें कि यूजर 1 ने पहले ही एक कमिट किया है, लेकिन यूजर 2 अपनी लोकल रिपोजिटरी में यूजर 1 का काम नहीं रखता है। एरर में संशोधन हेतु git pull कमांड को रन करने के लिए यह सुझाव भी देता है, अतः पहले हमें यूजर 1 के काम को हटाना है और इसे यूजर 2 की लोकल रिपोजिटरी में रखना है। इसे अभी करते हैं। टाइप करें git pull origin master। पहले यह रिमोट रिपोजिटरी से डेटा निकालता है, फिर इसे लोकल रिपोजिटरी में मर्ज करता है। अतः यह मर्जिंग हेतु एक मैसेज देने के लिए एडिटर खोलता है। अब उस मैसेज को रखते हैं और कंट्रोल एक्स दबाकर एडिटर को बंद करते हैं। अब दोबारा डेटा को लाने की कोशिश करते हैं। टाइप करें git push origin master। यूजर 2 का यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करें। आप देख सकते हैं कि हम अब सफलतापूर्वक डेटा को ला सकते हैं। आगे हमारे बदलाव अपडेट हो गए हैं या नहीं, यह देखने के लिए GitHub रिपोजिटरी को चेक करते हैं। GitHub रिपोजिटरी पर वापस आते हैं। रिपोजिटरी नाम stories पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि फाइल friends.html अब रिपोजिटरी पर जुड़ गई है। अब कमिट लिस्ट चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि यूजर 2 का कमिट भी यहां सूचीबद्ध है। इसके साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आते हैं। इसे सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा रिमोट रिपोजिटरी के बारे में और रिमोट रिपोजिटरी पर डेटा को सिंक्रोनाइज करने के बारे में। नियत कार्य में यूजर 3 नामक एक और यूजर नेम बनाएं। यूजर 3 के लिए डेटा क्लोन करें। यूजर 3 की लोकल रिपोजिटरी पर काम करना शुरू करें और यूजर 3 से डेटा को पुश करने की कोशिश करें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। इसे डाउनलोड करें और देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएं चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट NMEICT-MHRD भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।